हाय स्टूडेंट्स, तो आज की ये हमारी वीडियो है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के हवाले से। क्या डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या क्या होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड में हमारे साथ सबसे पहले सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन आता है, फिर आता है हाफ डुप्लेक्स और उसके बाद फुल डुप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या है। डेटा बेसिकली डेटा को कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन का जरिया है। और उसके बाद ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा सेंडिंग और रिसीविंग। बेसिकली सेंडिंग और रिसीविंग मतलब है, लेकिन यहाँ पर डेटा की बात करेंगे तो डेटा सेंडिंग और डेटा रिसीविंग को बेसिकली ट्रांसमिशन कहते हैं। और मोड्स वो तरीका है या वो रास्ता है जिसके जरिए हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। जैसा कि डेटा या तो सेंड करते हैं जिस तरीके से, या जिस तरीके से डेटा रिसीव करते हैं, तो वो जो तरीका है उसे हम मोड्स कहते हैं। तो डिफिनीशन से पहले ये समझना ज़रूरी था कि डेटा और ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेटा ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर होता है दो डिवाइसेस के बीच में। यानी डेटा ट्रांसमिशन मोड के जरिए हम डेटा ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को। और बेसिकली थ्री टाइप्स है डेटा ट्रांसमिशन मोड के, थ्री टाइप्स है। सबसे पहला है सिंप्लेक्स, और दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वन साइडेड है। या तो वो डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा को रिसीव करते हैं, या वो डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को सेंड करते हैं। दोनों नहीं कर सकते, या तो सेंडर होते हैं या रिसीवर होते हैं। ये अभी हम आगे डिफिनीशंस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में हमारे साथ एक डिवाइस डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है, जैसा कि आप लोगों को इमेज की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक वक्त पे नहीं कर सकते कि एक वक्त पे डेटा सेंडिंग भी कर रहा हो और रिसीविंग भी कर रहा हो। ये बेसिकली इसके एग्जांपल भी दूंगा मैं, आप लोग उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसे हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स में हमारे साथ आता है जैसा कि मोबाइल या टेलीफोन वगैरह का वायर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कि जिसमें डेटा सेंड भी होता है एट अ टाइम रिसीव भी होता है। तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स में आता है। जैसा कि टेलीफोन पे आप लोग जब बात करते हैं तो आप लोगों की डेटा आवाज़ जा रही होती है, उसी वक्त आ भी रही होती है। मतलब दोनों टाइप का डेटा सेंडिंग और रिसीविंग एक ही टाइम पे कर सकता है, उसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा और कंसेप्ट भी समझाऊंगा आगे। तो अभी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड से शुरू करते हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन मोड का सबसे पहला टाइप है। तो जैसा कि आप लोग सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन देख सकते हैं, जिसके पहले पॉइंट में सिंप्लेक्स का मतलब है इसमें डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। मतलब या तो एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगा या डेटा को रिसीव करेगा। यानी सिंप्लेक्स मोड में जो डिवाइस होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए होते हैं, जो कि या तो डेटा सेंडर होते हैं या डेटा रिसीवर होते हैं। सिंप्लेक्स मोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता हो और डेटा को रिसीव भी कर सकता हो। एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि टेलीविजन को देख सकते हैं जो एंटीना के जरिए ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन एंटीना से दोबारा सिग्नल वापस तो नहीं भेजता। इसलिए हम इसे कहते हैं कि एंटीना जो है वो सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और दूसरे एग्जांपल में आप लोग कीबोर्ड को देख सकते हैं, माउस को देख सकते हैं, जो कि सिंप्लेक्स मोड के डिवाइस है जिससे हम सिग्नल देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इन डिवाइसेस पर वापस कोई सिग्नल्स नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के डिवाइसेस है। उम्मीद है आप लोग सिंप्लेक्स मोड पर समझ गए होंगे। हाफ डुप्लेक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड की तरफ आते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एक डिवाइस सेंड और रिसीव तो कर सकता है, लेकिन एक वक्त में दोनों नहीं कर सकता। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं वॉकी टॉकी को, जब कोई बंदा वॉकी टॉकी पर बात करता है तो लास्ट में बोलता है ओवर, और यहाँ ओवर का मतलब है कि उसकी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी तरफ दूसरा बंदा बात ख़त्म करके लास्ट में बोलता है
और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक वक्त में या तो डेटा सेंड करेगा या डेटा रिसीव करेगा, लेकिन एक वक्त में डेटा सेंड और रिसीव दोनों नहीं कर सकता। इसलिए लोग वॉकी टॉकी पर बात खत्म करने के बाद लास्ट में बोलते हैं ओवर, ताकि दूसरा बंदा बात कर सके। तो उम्मीद है आप लोग इस एग्जांपल पे या हाफ डुप्लेक्स पर भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं फुल डुप्लेक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड की तरफ। तो जैसा कि आप लोग फुल डुप्लेक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड को देख सकते हैं, जिसमें एक डिवाइस बयाक्त वक्त यानी एक ही वक्त में डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। मतलब एक डिवाइस एक ही वक्त डेटा सेंड भी कर सकता है, उसी वक्त डेटा को रिसीव भी कर सकता है, उसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग टेलीफोन को देख सकते हैं, जिसमें एक ही वक्त बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। मोबाइल भी एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, जिस पर डेटा सेंडिंग और डेटा रिसीविंग एक ही वक्त हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग फुल डुप्लेक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड पर भी अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।